कुछ भी कहो ऐसा तो ऑप्शन सेलिंग में है क्या बात कर रहे हो बाइंग में करोड़ों बनते हैं अरे रहने दो सब बड़े लोग ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं एक का दस ऑप्शन बाई करके ही होता है सेलिंग में बनता है पैसा बाइंग से ही बनता है अच्छा अच्छा झगड़िए मत आज के इस वीडियो में मैं करूंगा अंतिम फैसला साक्ष्यों के आधार पर तय करेंगे कि क्या ऑप्शन खरीदने में समझदारी है या ऑप्शन बेचना बेहतर है इस बड़े सवाल का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा अगर आप भी इसी कश्मकश में रहते हैं कि ऑप्शन खरीदें या ऑप्शन बेचें तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है तक इसे जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अभी तुरंत प्रभाव से कर लें और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें क्योंकि इंस्टा पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे इंस्टा चैनल के जरिए मिलती है तो वहां पर भी फॉलो कीजिए और आइए समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग बेटर है या ऑप्शन सेलिंग नमस्कार जय श्री राम ऑप्शंस की बात करने से पहले आप सभी को एक शुभ समाचार देना है आपका यह छोटा सा चैनल अब बड़ा हो चुका है इस चैनल की सदस्यता सात लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है यानी अब इस चैनल के सात लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हमारा परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है फल फूल रहा है और यह सब कुछ आपके प्यार आशीष और स्नेह का ही परिणाम है तो मेरी ओर से और टीम के सभी सदस्यों की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अब आइए बात करते हैं ऑप्शंस की देखिए ऑप्शंस खरीदें या बेचें ऑप्शन सेलिंग की जानी चाहिए ऑप्शन खरीद करके चलना चाहिए यह एक पुराना सवाल है जिसको लेकर के लोग बड़े परेशान रहते हैं पशु पेश में रहते हैं सो so आज इस वीडियो में करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेड का सबसे आधारिक सिद्धांत यानी कि मेन प्रिंसिपल क्या है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ऑप्शन व्यापार का ये मूल सिद्धांत आप समझ गए तो आप खुद तय कर लेंगे कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग बेटर है या ऑप्शन सेलिंग और जब तक यह बेसिक फैसला आपने न किया हो तब तक ऑप्शन के बाजार में कोई बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी एक खेमा आपको चुनना पड़ेगा और वो कैसे किया जाता है ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा तो देखिए आज के वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सैकड़ों हजारों ट्रेडर्स के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूं यानी कितने ही नए ट्रेडर्स जब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उनके अनुभव जो रहे हैं उसके आधार पर ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके बेहद काम आएंगी अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं देखिए सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में बेतहाशा पैसा होता है तो यदि आपको कोई ऐसा कहे कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा है लेकिन ऑप्शन बाइंग में नहीं है तो कई सैकड़ों ऐसे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऑप्शन को केवल बाय किया है कभी भी बेचने की जरूरत नहीं की और करोड़ों रुपया बनाया है और दूसरी और ऐसे लोग हैं जो बरसों से ऑप्शन सेलिंग करते आए हैं ऑप्शन खरीदना उनके लिए संभव ही नहीं है और उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया है तो दोनों मार्ग पर चलकर पैसा बनता है लेकिन हमें यह तय करना है कि एक नए व्यक्ति के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर ज्यादा आसान ज्यादा सुगम है सबसे पहले देखिए एक मोटी बात अपने जहन में उतार लीजिए पूरी तरह इसे समझ लीजिए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन सेलर थीटा इरोजन के जरिए पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर का पैसा टाइम डीके के जरिए आता है इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ऑप्शन सेलर को पैसा तब बनता है जब वो ट्रेड को कुछ वक्त देता है एक चीज पूरी तरह से निश्चित है दुनिया इधर की उधर हो जाए बाजार ऊपर या नीचे चले जाए लेकिन समय तो बीतेगा ही ऑप्शन सेलर को यह पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ऑप्शन की टाइम वैल्यू तो कम होना तय है सो ऑप्शन सेलर का खेल ये है कि वो टाइम डीके से पैसा कमाना चाहता है उसका यह कहना है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा ऑप्शन की टाइम वैल्यू कम होगी और वो पैसा ऑप्शन सेलर के अलावा किसी के हाथ नहीं लगेगा यानी ऑप्शन सेलर थीटा डीके के जरिए पैसा कमाना चाहता है उधर दूसरी ओर ऑप्शन बायर को पैसा तब बनेगा जब डेल्टा चेंज प्राइस में आता हुआ दिखेगा यानी ऑप्शन का जो अंडरलाइन है वो पहले से अनुमानित दिशा में बड़ा मूव दिखाए तो पैसा बनेगा मान लीजिए आपने कॉल खरीदी हुई है तो एक ही सूरत में पैसा बन सकता है कि अगर अंडरलाइन की कीमतें तेजी से ऊपर जाएं, तो कॉल बायर को पैसा बनेगा अगर ये कीमतें वही की वही रह जाएं या नीचे चली जाएं तो ऐसी सूरत में कॉल बायर को नुकसान लगता है तो ऑप्शन बायर इस जुगत में होता है कि शेयर की कीमतें यानी कि अंडरलाइन की, की कीमतें इस तेजी से बढ़ें कि जो नुकसान समय के बीतने से यानी कि थीटा डी के से ऑप्शन सेलर को फायदा होने वाला है जो नुकसान ऑप्शन बायर को होने वाला है उसकी भरपाई बड़ी आसानी से शेयर की कीमतें बढ़ने से हो जाए और फिर शेयर की कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि टाइम डीके का नुकसान देने के बाद भी पैसा बच जाए यानी ऑप्शन बायर डेल्टा चेंज से पैसा कमाता है और ऑप्शन सेलर थीटा डीके से पैसा कमाता है यह बात अगर आपको समझ आ गई तो आपको दोनों का खेल कुछ कुछ समझ आने लगेगा अब देखिए एक मुद्दे की बात समझिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर लोगों की रुचि ऑप्शंस में पिछले तीन चार साल में बनी और लाखों लोग ऑप्शंस का ट्रेड करने लगे हैं लेकिन इनमें से अधिकांश लोग ऑप्शन बाइंग करके ही चलते हैं ऑप्शन बेचने वाले तो अभी भी अल्पमत में हैं अब देखिए इसकी मूल वजह है मार्जिन ऑप्शन खरीदते समय कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता केवल ऑप्शन की कीमत चुका दीजिए और उससे अधिक कोई आपका रिस्क नहीं होता जबकि ऑप्शन बेचते समय आपको मार्जिन देना पड़ता है क्योंकि आप अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने सत्रह हजार आठ सौ की कॉल बेच दी और बाजार उसके बाद बहुत तेज हो गया तो आपको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है और इसी के चलते एक्सचेंज आपसे एहतियातन मार्जिन डिपॉजिट करने को कहता है यह मार्जिन बड़े प्लेयर्स को परेशान नहीं करता क्योंकि उनके पास बहुत सा पैसा रिस्क पर लगाने को होता है लेकिन एक नए ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑप्शन सेलिंग करते समय मार्जिन का बंदोबस्त करना होती है और इसीलिए लोग मजबूरन ऑप्शन बाइंग करने में ज्यादा रुचि लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां मार्जिन नहीं लगेगा कम पैसे में काम चल जाएगा अब यहां देखिए मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आपके पास मार्जिन कम है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग करने लगते हैं यह सोच गलत है ऑप्शन बाइंग करें जब आपके पास ऑप्शन बाइंग का कोई एक ऐसा सिस्टम हो एक ऐसा आपके पास आइडिया हो जिस पर अगर ऑप्शन बाइंग लगातार की जाए तो पैसा बन रहा हो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है और आप उस पर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप कभी हार ही नहीं सकते आपको हमेशा पैसा बनेगा लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के आपके पास पैसे नहीं है मार्जिन नहीं है तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग में आप कभी नहीं कमा पाएंगे ऑप्शन बाइंग तब करें जब ऑप्शन बाइंग आपको समझ आती हो मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन में प्रवेश का बेहतर तरीका है क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग में आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनने लगता है ऑप्शन सेलिंग बहुत कंसिस्टेंट होती है अगर मान लीजिए आपने निफ्टी 17,800 पर चल रही है आपने 18,200, 17,500 इस तरह दूर के ऑप्शंस बेचे हुए हैं और बाजार एक सीमित दायरे में रह जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी आप देखते हैं कि आपको आपके ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होते हुए नजर आते हैं और उसका पूरा प्रीमियम आपको मिल जाता है तो हर सप्ताह नियमित आय बनने लगती है और आपका ऑप्शंस पर विश्वास और ऑप्शंस की समझ दोनों विकसित होने लगती हैं। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हैं ऑप्शन सेलिंग के रास्ते आपको शुरुआती सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। तो मेरे इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आप ऑप्शन के ट्रेड में नया कदम रख रहे हैं तो शुरुआत कोशिश कीजिए ऑप्शन सेलिंग के जरिए की जाए ऑप्शन सेलिंग में आपको एक नियमित आय बनने लगेगी ऑप्शन का कारोबार समझ आने लगेगा और उसके बाद जब आप इसको लेकर पेशेवर हो जाएं, थोड़े प्रोफेशनल हो जाएं, तब ऑप्शन बाइंग को आजमाइएगा तब तक आप में वो समझ हो जाएगी और आप देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग में भी आपको पैसा बनेगा शुरुआत में ऑप्शन बाइंग के जरिए ऑप्शन सेलिंग करना मेरे अनुभव में ज्यादा फायदेमंद रहता है दो बातें अब आपको बहुत ध्यान से समझनी है अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो पैसा कैसे कब बनता है देखिए ऑप्शन बाइंग एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जहां पैसा एक ही सूरत में बनता है और वो सूरत ये है कि अगर आपने कॉल खरीदी हो और शेयर जिसकी कॉल खरीदी गई हो उसमें बड़ी तेजी बन जाए या आपने पुट खरीदी हो और जो शेयर आपने खरीदा है उसमें बड़ी गिरावट आ जाए यानी तुरंत और बड़ा मूव चाहिए तभी ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा बनता दिखेगा तो देखिए ऐसा मोमेंटम विंडो पहचानना जिसमें कि आपके खरीदने के तुरंत प्राइस पर बड़ा एक्शन आ जाए पहचानने के लिए बहुत स्किल्स चाहिए होती हैं, एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए तो ऑप्शन बाइंग में पैसा तब बनता है जब आप किसी सिस्टम के अंतर्गत ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं जो बड़े मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है इसके अलावा ऑप्शन बाइंग में और किसी भी ढंग से पैसा नहीं बनता अब देखिए एक चीज ऑप्शन सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझिए जिस तरह ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमाने की संभावना केवल एक होती है उसी तरह ऑप्शन सेलिंग में भी बड़ा नुकसान करने की संभावना एक होती है और वो ये है कि जो ऑप्शन आपने बेचा हुआ है उसी के विपरीत प्राइस एक दिशा में बहुत बड़े गैप के साथ और बड़े मोमेंटम के साथ आपके विपरीत बढ़ने लगे मिसाल के तौर पर आपने कोई पुट बेचा हुआ है आपको लग रहा था कि बाजार एक लेवल को पार नहीं कर पाएगा आपने पुट बेच दिया लेकिन फिर कोई ऐसी खबर आ गई और बाजार में भीषण गिरावट देखने को मिल रही है अब आपने 100 सवा पॉइंट कमाने के लिए पुट बेचा था लेकिन अगले दिन जब खुला पुट तो सीधा 300-400 उसका प्राइस हो गया बड़ा नुकसान आपको शुरुआत में ही हो रहा था आप उम्मीद कर रहे थे कि भाई थोड़ी रिकवरी होगी हम निकल आएंगे लेकिन जब तक आप निकल पाते वो सौ रुपए का पुट पांच सौ हो जाता है यानी कमाने चले थे सौ लग गए चार सौ सौ इस तरह का बड़ा नुकसान ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है यानी अनलिमिटेड रिस्क होता है ऑप्शन सेलिंग में और यही वजह है कि लोग ऑप्शन सेलिंग करने से कतराते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं आपको पता है कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलिंग में आपकी क्वांटिटी अगर आपके काबू में है तो इसको बड़े आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं तो दोनों प्रकार की ट्रेडिंग के अपने अपने फायदे नुकसान हैं जिनको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है तो याद रखिएगा कि दोनों प्रकार की ट्रेडिंग में पैसा बनता है लेकिन आपको अपनी योग्यता अपनी एप्टीट्यूड अपने इंटरेस्ट को समझ करके एक सही फैसला करना होता है कि आप इन दोनों में से कौन सा बेहतर ढंग से कर पाएंगे दोनों में एक चीज समान है और वह है चार्ट्स बिना चार्ट्स के आंकलन के दोनों में ही सफलता नहीं मिलती है ऑप्शन सेलिंग में चार्ट्स की बड़ी भारी भूमिका है ऑप्शन बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है लेकिन बिके हुए ऑप्शंस को संभालना एडजस्ट करना रिपेयर करना स्टॉप लॉस लेकर समय से बाहर आ जाना यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग बच्चों का खेल है तो आप पूरी तरह गलत हैं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग बिना चार्ट्स के मुमकिन नहीं है ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेशलाइज चार्ट्स देखने जरूरी हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो याद रखिएगा बिना उस ऑप्शन का चार्ट देखे आपको ऑप्शन बाइंग में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि शेयर का चार्ट देखकर जब तक आप ट्रेड ले पाएंगे तब तक आप देखेंगे कि ऑप्शन ऑलरेडी बढ़ चुका होगा तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना है तो ऑप्शन के चार्ट देखना सीखना होगा दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की सोच रखना और अलग अलग लक्ष्य रखना जरूरी है ऑप्शन बाइंग तब सफल होती है जब आपने उसमें बहुत कम रकम लगाई होती है और आपका उद्देश्य बड़ा सिग्निफिकेंट विंड करना हो यानी कि आपकी उम्मीद के परे बड़ा पैसा बन जाए छोटी रकम लगाकर इस रणनीति से अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है ऑप्शन सेलिंग नियमित आय बनाने का तरीका है जिसमें कि टाइम डिके के जरिए अच्छे मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करके आप लगभग हर महीने ठीक ठाक रिटर्न बाजार से ला सकते हैं तो किसी खेमे में मत जाइए। इन दोनों के पेज को समझिए और फिर ठंडे दिमाग से फैसला कीजिए कि आपके लिए सही रणनीति क्या होगी इस चैनल पर आने वाले समय में ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे एफिशिएंट स्ट्रेटजी क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा और ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे डिपेंडेबल आइडिया कौन सा है ये भी इस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए अपना ख्याल रखिए और हाँ जो भी फैसला करें सोच विचार करके सारे फायदे नुकसान को समझ कर एनालाइज करके कीजिए और हां चार्ट्स देखना मत भूलिएगा धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत